Assalamualaikum guys, welcome back to another video. तो आज हमने करना है अपने वाटर डिस्पेंसर को साफ। तो उसके लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, वेट टॉवल जिससे पानी से पानी के अंदर डुबोया है, स्पॉन्ज, ग्लव्स, प्लास, विनेगर, क्लीनिंग वाटर, और इस ब्रश से हमने बैग को साफ करना है, एंड हॉट वाटर, क्लीनिंग ब्रश, ये हॉट वाटर, और ये आपको चाहिए जग खाली जिससे पानी निकालना है। हम ग्लव्स पहन लेंगे। तो अब हम वाटर बोतल डालेंगे। ये डाल देंगे, इसके लिए प्लास्टिक जैट है। तो इसे निकाल लेंगे भाई प्लास की मदद से। तो अब हमने खाली जग ले लिया जिससे पानी निकालने। ये जो निकली है यहाँ से चीज़ें, इसे हमने डिटर्जेंट से धो लेने, और ये अंदर गंदा पानी है, ये थोड़ा बाहर यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से ड्रेन कर लेंगे। तो अब इसे उतार लेंगे, इसे भी डिटर्जेंट से धोएंगे। यह पानी निकल रहा है। क्लीनिंग ब्रश ले लेंगे अब। और ये आप वेट टॉवल ले लेंगे। वेट टॉवल ले लिया। साफ हो गया बंदर से। तब इसके अंदर अभी डालना है हॉट वाटर। ये हॉट वाटर है, 1 स्पून भी इतना डाल लें। हॉट वाटर के अंदर डाल दिए। तो अब इसे अंदर डाल लेना है हॉट वाटर को।
दोबारा क्लीनिंग ब्रश लेंगे और इसको घुमाते जाएंगे अंदर। दो से तीन मिनट के लिए अंदर इसे पानी और वाटर को रहने देना है। कुछ आगे से निकाल लेंगे और कुछ पीछे से निकाल लेंगे। पीछे से निकाल लेंगे। तो इसके अंदर डिटर्जेंट नहीं डालना है, तो ये जो अभी भी है इसके अंदर, तो उसे निकाल लेंगे वेट टॉवल से। तो अब ये साफ हो चुके। स्मॉल क्लीनिंग ब्रश से अब अंदर का साफ कर लेंगे। तो ये साफ हो चुका है, तो अब मज़ीद ड्राई क्लीनिंग स्पंज ले लेंगे। तो ये ड्राई हो चुका है, अब बाहर से साफ कर लेंगे। तब इसे बैक से साफ कर लेंगे ब्रश से। तो दोबारा वेट वाटर ले लिए, इसे साफ कर रहे हैं बैक से। अब दोबारा इसके अंदर हॉट वाटर डालेंगे, तो उसे दोबारा पीछे से ड्रेन कर लेंगे। तो हॉट वाटर डाल रहे हैं, डाल के तो जग ले लेंगे। क्लीन ब्रश लिए, उसे एक और बार वही परोस सस कर लेंगे, प्रोसेस कर लेंगे। इसके अंदर विनेगर नहीं ऐड किया था, बस अकेला ही हॉट वाटर डाला, तो अब इसे निकाल लेंगे।
तो ये तो फिर कौन क्लीन टॉवल ले लिया, ये ड्राई है, इसे आप स्पॉन्ज की तरह यूज कर लेंगे। जैसा हमने स्पॉन्ज यूज किए थे उसे ऐसे इसे भी यूज कर लेंगे। जो हमने निकाल दी है तो इसे डिटर्जेंट से धो लिए, कैप बंद कर दिए, जी कैप बंद कर दिए। तो ये जो चीज़ें डिटर्जेंट से धोई थी इन्हें वापस लगा लेंगे अंदर। डिस्पेंसर जो पानी पी, तो हमारा वाटर डिस्पेंसर अब क्लीन हो चुका है। तो ये जो डिटर्जेंट से धोई थी चीज़ें अब उसे लगा दिए। तो जो हमने क्लीनिंग के बाद पावर केबल्स उठाए हैं वो अब उन्हें दोबारा लगा दिए, तो हमारा वाटर डिस्पेंसर क्लीन हो गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।